नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज। स्वागत है आपका इस चुनावी बिसात में। मैं हूं आपके साथ अदिति। बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव की। साल 2021 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन 5 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इन 5 राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल है। इन 5 राज्यों में से एक एक राज्य में जहां एनडीए और कांग्रेस की सरकार है, तो वहीं बाकी बचे 3 राज्यों में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में एआईएडीएमके की सरकार और केरल में लेफ्ट की सरकार है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं इन 5 राज्यों में सीटों का चुनावी गणित। पश्चिम बंगाल, इस राज्य में विधानसभा की 294 सीटें हैं। वर्तमान में यहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में ममता की टीएमसी ने सबसे ज्यादा 211 सीटें, कांग्रेस ने 44, लेफ्ट ने 26 और बीजेपी ने मात्र 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि अन्य ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। यहां बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। असम, इस राज्य में विधानसभा की 126 सीटें हैं। वर्तमान में यहां एनडीए की सरकार है और सर्वानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी 89 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसने 60 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं असम गण परिषद ने 30 सीटों पर चुनाव लड़कर 14 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 13 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें जीती थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने 122 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 26 सीटों पर कब्जा किया था। यहां बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए। तमिलनाडु, इस राज्य में विधानसभा की 234 सीटें हैं। वर्तमान में यहां एआईएडीएमके की सरकार है और ई पलानीस्वामी मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में एआईएडीएमके ने 136 और मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके ने 89 सीटें जीती थी। यहां बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। पुडुचेरी, केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में विधानसभा की कुल 30 सीटें ही हैं। वर्तमान में यहां कांग्रेस की सरकार है और वी नारायण स्वामी मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और 15 सीटें जीती, तो वहीं ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 30 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 8 सीटें जीती थी। अन्य के खातों में 7 सीटें गई, लेकिन यहां बहुमत के लिए 16 सीटों की जरूरत है। केरल, इस राज्य में विधानसभा की 140 सीटें हैं। वर्तमान में यहां सीपीआईएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ की सरकार है और पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में एलडीएफ को 91 और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को 47 सीटें मिली थी। यहां बहुमत के लिए 71 सीटों की जरूरत है। बिहार की ऐतिहासिक जीत के बाद इन 5 राज्यों में जहां एनडीए अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, तो कांग्रेस भी पूरी तैयारी में जुट गई है। अब कहां किसकी सरकार बनेगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तय है कि 2021 में असल मुद्दों को परे रख एक बार फिर नए वादों से चुनावी माहौल तैयार होगा। पल पल की अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। बिना रुके, बिना डरे,